गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप लोग आई हो अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी नहीं हूँ, मैं अच्छी इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे कल से लुमिनेशन हो रहा है जो कि बहुत ज़ोरों से, सो इसलिए मैं अच्छी नहीं, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। मेरा फेस देख के आप लोगों को पता चलता होगा। और ये भी देखिए, पिछले हफ्ता एक यहाँ पे आया था लेकिन वो छूटने के बाद उसके बाजू में और एक आ रहा है, उधर ही उसी जगह में आता है तो उसी जगह में ही आता है, मुझे क्यों। तो लूज मोशन के वजह से मुझे मन नहीं कर रहा है खाने पीने का, कुछ भी नहीं मन कर रहा है। बट आज चपाती भाजी बनाने वाली हूँ, बच्चे के लिए तो करना ही पड़ेगा ना, मुझे कुछ हो ना हो, मन करे ना करे, लेकिन बच्चे के लिए करना पड़ता है। तो इसकी वजह से मैं बच्चे के लिए आज बनाऊंगी चपाती भाजी। और मैं केला लाई सुबह और केला 4-5 केला एक साथ खाई। मुझे टेबलेट भी लाने के लिए इसका पापा नाम लिख के दिए थे, वो वाला टेबलेट ला के खाओ, लेकिन मेरा यही आदत है कि मैं जल्दी तक टेबलेट खा के ख़त्म करना नहीं चाहती हूँ। बुखार हो, तबीयत कितना भी ख़राब हो, बहुत हो जाता है एक्सेस, तब जाके मैं डॉक्टर के पास या तबीयत दवा खाती हूँ, नहीं तो नहीं, ऐसे छोड़ने का कोशिश करती हूँ मैं, मेरा यही आदत है। तो क्या कर, तो गाइस तो चलिए अभी जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, बच्चे आने वाले हैं तो जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। थोड़ा सा रेस्ट करूँगी क्योंकि मैं आज बहुत तो मतलब भूखी पेट हूँ, जो 5 ही केला खाई हूँ और पानी पी हूँ, वो बना के थोड़ा सा खा लूँगी क्योंकि खाली जब खाती हूँ तो टॉयलेट आ जाता, मतलब बस लूज मोशन हो जाता है और पेट खाली रहता है तो भी थोड़ा टाइम ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा टाइम हो जाता है 1-2 घंटा में तो फिर से मुझे टॉयलेट जाना पड़ता है। तो थोड़ा सा खा लेती हूँ गर्मी की वजह से भी, और मैं इसलिए दवा नहीं खाती हूँ क्योंकि साल में 1-2 बार ऐसा लूज मोशन भी होना चाहिए, पेट में जितना गंदगी हो खाली भी होना चाहिए, इसके वजह से ये जो चीज़ आता है तो बहुत सही है, आना भी चाहिए, इसलिए मैं दवा खा के जल्दी ख़त्म करना नहीं चाहती हूँ। तो ऐसे जाएगा तो ठीक है, 2-3 दिन हो जाएगा तो दवा खाना पड़ेगा, बट आज अभी थोड़ा केला जब से खाई हूँ तब से थोड़ा आराम है, नहीं गई हूँ, लेकिन कल मैं गई थी 8 बार और आज 2 बार, कल 8 बार गई थी, आज 2 बार गई हूँ अभी सुबह से, तो मुझे लग रहा है जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए मैं अभी बना रही हूँ चपाती भाजी, जल्दी बना के खाना खाने बैठेंगे बच्चे आ जाने के बाद, तभी मैं फिर से मिलूँगी आप लोगों के साथ। तो ऐसे ही कंटिन्यू रहिए मेरे ब्लॉग में और ढेर सारा इंजॉय करिए। सो गाइस तो यहाँ चलिए मैं बना रही हूँ चपाती भाजी। तो मैंने आधा भाजी देखिए बना रही हूँ, मतलब चढ़ाई हूँ यहाँ पे, ये चढ़ाई हूँ तवा और यहाँ पे है ये आटा गूंद के रखी हूँ। सो वो अभी मैं बनाने जा रही हूँ, बच्चे भी आने वाले हैं तो जल्दी जल्दी बनाऊँगी तो खाएंगे, और लेट हो जाता है तो बाद में उनको भी खाने के लिए बहुत लेट होता है। तो चलिए मैं वो सब दिखा नहीं पाया मैं आप लोगों को, ये जो आटा गूंदी थी, ये वाला आटा गूंदी थी और ये जो सब्जी कट किया आटा गूंदा, उसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस रेडी किया और फिर मिल रही हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि मोबाइल ऐसे सेट करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं अकेली कुछ कर सकती हूँ, तो इसीलिए मैं आधा अधूरा जैसे दिखाया आप लोगों को, बुरा मत मानिएगा, मैं भी कोशिश तो कर रही हूँ, तो बस रंग भूल हो जाता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए क्या मेरा किस चीज़ में भूल हो रहा है। तो चलिए मैं पहले बना लेती हूँ थोड़ा सा, उसके बाद फिर मिलूँगी आप लोगों के साथ, तो कंटिन्यू रहिए ब्लॉग में। इसका छुट्टी था तो गाइस देखिए कितना अच्छा से डेकोरेशन किया है मेरे लड़की टीवी के सामने, और छुट्टी में क्या करूँगी मम्मी ऐसा करके, और चपाती मेरा बन गया है, अभी मैं खाना खाने के लिए बैठी हूँ। तो गाइज मैं खाना खाने के लिए बैठी हूँ, अभी खाऊंगी और थोड़ा सा सो जाऊंगी, सो के उठ के शाम को फिर मिलूंगी आप लोगों के साथ, अभी और मिलूंगी नहीं, बस मेरा मन भी ठीक नहीं है,
और मेरे लड़की गरम गरम लेके आ रही है। और आज मैं भाजी बहुत अच्छा बनाई हूँ, सूखा वाला खोरा नारियल डाल के। नेक्स्ट टाइम आप लोगों को ब्लॉग भी दे दूँगी, बट आज मैं नहीं दे पाई। आज मेरा सच में तबीयत ख़राब है और क्या करूँ आप लोग, क्या बोलूँ आप लोगों को। थाली लेके आई, पानी लेके आ, टीवी चालू कर और बैठ। तो अभी हम दोनों माँ बेटे खा रहे हैं, क्यों माँ बेटी खा रहे हैं, क्योंकि बेटा हमारा आया नहीं, उसका एक्स्ट्रा क्लास है। 10th वालों को डेली एक्स्ट्रा क्लास रहता है, तो इसलिए डेली वो 3 बजे आता है, तो 3 बजे आने के बाद ही वो खाना खाएगा। सो गाइस, तो देखिए मेरा आज का भाजी, आलू और इसको क्या बोलते हैं, इसको कुंदरू, कुंदरू नहीं, कोरकोट, अपना उड़ीसा का लैंग्वेज में कोरकोट बोलते हैं, कोरकोट का भाजी और बटाटा और चना। और ये मेरा लड़की का है, और वहाँ पे रख दिया है बाबू का, और यहाँ पानी बाटली, और वहाँ पे चल रहा है हमारा टीवी, और वहाँ पे वो बैठ के देख रही है टीवी, और वहाँ पे जो कल का कपड़ा है जो मैं उसको निकाल के रखी हूँ, और आज का कपड़ा सुखाई हूँ। देखिए क्लाइमेट थोड़ा सा ठीक है। तो गाइस चलिए खा लेती हूँ पहला, शाम को फिर मिलूँगी। अभी मेरा पेट बहुत दुख रहा है, खाने के लिए बैठी हूँ और पेट दर्द स्टार्ट हो गया है। तो अभी फिर भी मैं खाऊँगी, क्योंकि मैं कल रात से ठीक से खाई नहीं हूँ, मेरा पेट बहुत खाली हो रहा है और भूख भी लग रहा है। कितना केला खाऊँ, देखिए केला उधर पड़ा है, केला।
बाटली नहीं मिली। टिफिन बॉक्स दे बहुत अच्छे अच्छे ना नहीं ना कितना है मैं बुड़ गया था बढ़िया दिस छु बढ़िया हीरो दिस छु हीरो ओ यार कौन जा अल्लू अर्जुन दिस छु आ देख हमारा लिपस्टिक लगाई ही गलुगा। सो गाइस तुम्हें आगे देखिए घर और घर में खाना खाने के लिए बैठे हैं और मैं उधर से लेके आ गई थी पार्सल चिकन और फ्राई राइस। तो थोड़ा सा गरम किया कढ़ाई में तो ये लोग कढ़ाई के साथ ही लेके आ गए। तो आप लोगों को पता है इसका पापा रहता है तो मैं कुछ बोलती नहीं हूँ ब्लॉग में, तो इसके लिए मैं चुप हूँ क्योंकि वो फ़ोन में बात कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा मैं इशारा इशारा में ही बोल रही हूँ, तो बस इग्नोर कर दीजिएगा। और ये हम छोटा सा चिक को दे दिया जो हमारा डेथ हो गया उसको, क्योंकि उसको फ्राई राइस बहुत पसंद था तो जब भी हम लाते थे तो फ्राई राइस उसके लिए तो उसको देते थे। तो मैं यही इशारा कर रही हूँ कि अभी हम जा रहे हैं खा के सोने की। तो चलिए गाइस आगे थोड़ा सा देखिए, मैं बाहर गई हूँ, बाहर का व्यू दिखा रही हूँ आप लोगों को। खाना खाने के बाद मैं थोड़ा घूमने भी गई थी, तो चलिए आप कंटिन्यू रहिए ब्लॉग में। सो गाइस तो खाना खाने के बाद मैं आ गई हूँ थोड़ा सा बाहर कुछ काम के लिए। तो जैसे आई तभी बारिश जोरों से होने लगा, तो हम एक दुकान में रह गए बारिश की वजह से, कुछ छतरी लेके नहीं गए थे। और उधर जितना भी आदमी रात को बताइए ना 11 बजे उधर जितना भी आदमी आते थे तो सिगरेट खरीदने के लिए और उधर ही स्मोकिंग करते थे, तो इतना भी उन लोगों को कॉमन सेंस नहीं था कि यहाँ पे एक लेडीज़ है इधर हम स्मोकिंग नहीं करेंगे करके। बट मुझे उधर देख भी रहे थे फिर भी स्मोकिंग कर रहे थे, ऐसे भी लोग रहते हैं दुनिया में, बच के रहना चाहिए। तो वहाँ जो दुकान का मालकिन थी उसने बाद में मुझे अंदर बुलाई और बिठाई, और बारिश छूट जाने के बाद हम लोग आ गए घर। और उधर एक छोटा सा बिल्ली थी सो उसके साथ थोड़ा सा मैंने खेला, खेलने के बाद देखिए मैं आ गई घर। ये बहुत अच्छा क्यूट सा था तो मैं उसके साथ थोड़ा सा खेल गई, और मुझे ये जानवर बहुत पसंद है। तो गाइस चलिए आज का वीडियो यही तक है और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। और उसका पापा के सामने तो ब्लॉग बना नहीं सकती हूँ, आप लोगों को पता है ये, तो खाते समय मैंने कुछ बोला नहीं, बस इशारा इशारा में आप लोगों को